होली के पावन अवसर पर गुरुवार को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम गोरखनाथ मठ स्थित अपने आवास के शक्ति मंदिर में भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। उसके बाद प्रदेश में भाजपा की जीत का संकल्प पूरा होने के बाद लोक मंगल की कामना के साथ विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। पांडेहाता के होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक अनुष्ठान में लीन हो गए। शक्ति पीठ में 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्हें बेलपत्र, सफेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमी पत्र, दूब, कुशा, राई, गुड़हल, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। रुद्राभिषेक की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हुई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव और द्वादश ज्योतिर्लिंग का विधि विधान से षोडशोपचार पूजन किया। आखिरी में शुरू हुआ रुद्राभिषेक, जब वेद मंत्रों के उच्चारण से मंदिर परिसर गूंज उठा।